हेलो माय टू फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टू चैनल। और आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ क्लास में स्टैटिक मेथड और वेरिएबल का कैसे यूज़ करते हैं। इससे पहले हमने देखा था इंस्टेंस मेथड और इंस्टेंस वेरिएबल्स का यूज़ कैसे करते हैं क्लास के अंदर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ऐसे ही न्यू टेक्नोलॉजी के साथ। तो हम शुरू करते हैं हमारी क्लास, और सबसे पहले हम देख लेते हैं एक्सेसिंग इंस्टेंस वेरिएबल्स, जो हमारी कल का टॉपिक जो है बाकी रह गया था वो। तो अब यहाँ लिख देते हैं, हम एक रैम को डिफाइन कर लेते हैं, इंट रैम इक्वल्स टू 4, और फिर वर्ड मेन फंक्शन में इसको एक्सेस करेंगे, प्रिंट एलजी डॉट रैम, और फिर इसको रन करते हैं तो आउटपुट में हमें डिस्प्ले होगा क्या, 4। ये हो गया हमारा कल का टॉपिक इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करने का। ओके, अब इसके बाद हम देखते हैं अपना आज का टॉपिक स्टैटिक मेथड और वेरिएबल। इसको हम बनाएंगे हमारी मोबाइल वाली क्लास में ही। कमेंट में टाइप कर लेते हैं स्टैटिक वेरिएबल, और यहाँ इंट मेमोरी बना लेते हैं और इसकी वैल्यू दे देते हैं 12। तो इस टाइप से बनाएंगे। अगर हम इसको इस टाइप से बनाएंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, इंस्टेंस वेरिएबल का एग्जांपल हो जाएगा। तो इसको स्टैटिक बनाने के लिए हम इसमें स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करेंगे। तो इसके आगे लिख देंगे हम स्टैटिक, तो ये हो गया हमारा स्टैटिक वेरिएबल डिफाइन। अब हम बनाते हैं स्टैटिक मेथड, तो इसमें हम लिख देते हैं स्टैटिक एड एक्स्ट्रा मेमोरी, और इसमें पैरामीटर दे देंगे एक्स्ट्रा। फिर हम इसको मेमोरी इक्वल्स टू मेमोरी प्लस एक्स्ट्रा ये डिफाइन कर लेंगे, और रिटर्न करेंगे हम मेमोरी को। ये हो गया हमारा स्टैटिक मेथड। अब हम चलते हैं हमारे मेन प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में, और यहाँ एक्सेस करेंगे हम स्टैटिक वेरिएबल को यूजिंग क्लास नेम। यहाँ लिख देते हैं एल जी डॉट मेमोरी और 12। तो यह इस तरह से हमें स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो यह मैसेज क्या शो होगा, कांट एक्सेस मेमोरी थ्रू इंस्टेंस वेरिएबल। तो इसको हम क्लास के नाम के साथ एक्सेस करेंगे। या प्रिंट लिख देते हैं यहाँ पे, प्रिंट और मोबाइल डॉट मेमोरी। इसके बाद हम यह इसको स्टैटिक मेथड को भी कॉल कर लेते हैं यूजिंग क्लास नेम मोबाइल डॉट एड एक्स्ट्रा मेमोरी, और इसको वैल्यू दे देंगे 8। अब इसको हम रन करेंगे तो हमारे पास ये एक एरर शो होगी, और इस एरर को हम डिफाइन करेंगे एक्स्ट्रा जो है हमारा, उसको हम डिफाइन कर लेंगे यहाँ पे इंट टाइप का, और फिर रन करेंगे तो आउटपुट में हमें डिस्प्ले होगा 12, क्योंकि हमारी मेमोरी जो साइज़ है वो 12 हमने दे रखी है। लेकिन हमें इसे 20 करने के लिए इसको हम एक टोटल अंडरस्कोर मेमोरी और वेरिएबल क्रिएट कर देंगे, और फिर इस मेथड को हम कॉल करेंगे तो उस और फिर प्रिंट कर देंगे, तो टोटल वेरिएबल को प्रिंट कर देंगे टोटल वेरिएबल को, और फिर हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास जो आउटपुट शो होगा वो होगा 20। ये हो गया हमारा स्टैटिक मेथड्स और वेरिएबल्स को कैसे यूज़ करेंगे और कैसे एक्सेस और कॉलिंग करते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको इसको यूज़ करके और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको इस यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम हुई या नहीं हुई हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।